कम से कम वो 9 साल पहले जब ये सब ड्रामा शुरू हुआ था, ये शार्लटन ही कहेंगे आप ऐसे लोगों को, कम से कम इतनी पोलराइजेशन नहीं थी जो अभी इस वक्त है। तो बेसिकली इस बुक का मकसद यही है कि जो पोलराइजेशन है या इनटॉलरेंस है या ये वाली एक अप्रोच हो गई है हमारी टुवर्ड्स एवरीबडी, कोई भी एक है वो दूसरे की बुराई नहीं सुन सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हम अपने ही नेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, एंटी नेशनल सेंटिमेंट है, हमने उसको भी दिखाने की कोशिश की है। तो डोंट यू थिंक दिस इज अ गुड सर्विस यू हैव एक्चुअली गिवन, वेयर यू हैव ओपन द आईज ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल एंड द यूथ आउट देयर एंड अ लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर? आई शुड होप सो, लेकिन मैं अपने आप को एक हीरो नहीं समझती। आई सी के आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम अ गर्ल फ्रॉम क्वेटा एंड आई गॉट वेरी लकी। मैं इसीलिए कहती हूँ हमेशा लोगों को कि कोई भी मेरी जनरेशन के हों, जिनके मैं बच्चे देख रही हूँ, कि कोशिश करें कि अपनी बेटियों को ना सेल्फ एस्टीम घर से सिखाएं। ये जो सेल्फ एस्टीम है ना, इट ऑल कम्स डाउन टू दैट, कि अपने आप को कभी भी इतना किसी के लिए गिराना या अपने वैलिडेशन किसी और से सीख करना, भले वो फेमस हो, भले वो गुड लुकिंग हो, भले वो कुछ भी हो, बट अपनी सेल्फ एस्टीम जो है ना, दैट इज वो घर से आपकी बनती है। नेवर पुट योर गर्ल्स डाउन, इवन बॉयज, आई थिंक बॉयज आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ ग्रेट डील, उनके अपने इश्यूज हैं। हम लोग हमेशा औरतें होती हैं, औरतों के इशू के बारे में बात करते हैं। मी टू मूवमेंट जब शुरू हुआ था ना, मैं उसको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रही थी। हंगर गेम्स के जो डायरेक्टर थे ना, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। ही सर, हॉलीवुड में जब औरतें बड़ी वोकल हुई मी टू के बारे में, अब काफ़ी मर भी हुए, तो मैं जो मेन एक्टिविस्ट थी उनके पास गया, मैंने कहा व्हाट अबाउट द किड्स, व्हाट अबाउट द किड्स, बिकॉज बच्चों की जो हरासमेंट और अब्यूज है, दैट्स बिग थिंग। सो काफी लोगों ने उनको ना ब्रश ऑफ किया। सो यू नो यू हैव टू, आपने इस बुक में भी मेंशन किया कि आपकी एक कॉन्वर्सेशन में ये पीडोफीलिया का जिक्र था या डिजायर टू बी। हम किसी पर्सनल अटैक के ऊपर नहीं जाते, लेकिन एक ऐसा माइंडसेट के ऊपर जरूर जा सकते हैं। जब आपने, आपका जो नाम है वेयर द ओपन डोर्स अबाउट एडिक्शन, स्पेशली अबाउट कोकेन एडिक्शन, जिसमें आपने अपने भाई के बारे में भी जिक्र किया, फिर उनके बारे में भी जिक्र किया कि ये सब के सब कोकीन रैकेट के अंदर थे। स्पेशली व्हेन यू टेक दैट मच अमाउंट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, यू आर नॉट एबल टू टेक रैशनल डिसीजंस एंड स्टार्ट हैविंग वियर्ड फैंटेसीज दैट यू स्टार्ट शेयरिंग, एंड हाउ डेंजरस इट कैन बी टू हैव एन एंटायर कंट्री रनिंग ऑन दैट। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें, स्पेशली ऑन ओपियम एडिक्शन, ऑन मेथ एंड आइस एंड कोकीन दैट वी हैव इन आवर सोसाइटी, एंड हाउ वी कैन एक्चुअली फाइट इट। You see, I can only say this as a family member. My brother has been an addict for a long time. और ये काफ़ी लोग जो families वगैरह हैं, मैं उनसे इतना sympathize करती हूँ, इतना sympathize करती हूँ कि जिसके घर में एक drug addict होता है ना, वो एक hell की तरह होता है। अपने माँ बाप को मैंने जिस तकलीफ से देखा है ना गुजरते हुए, to have एक ही इकलौता बेटा who's a meth addict, उसके साथ रहना, सोसाइटी में फेस सेविंग करना, अपनी फैमिली वगैरह को प्रोटेक्ट करना, कितना मुश्किल रहा है उनके लिए। और जितनी भी फैमिलीज हैं, मैं वो ये कहूँगी कि इसको छुपाने से या ब्रशिंग इट अंडर द रग, और ये जो हमारे यहाँ एक माइंडसेट है ना, शादी करा लो तो ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा अपनी वालदा से कहती थी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। कभी भी खुदा के लिए किसी लड़की का घर बर्बाद मत करें। Exactly. आपको अच्छी तरह पता है कि आपके बेटे एक बीमार है, ये सिक, इट्स अ डिजीज। लड़की का घर हो या मुल्क हो या माशरा हो, किसी भी ऐसे किसी भी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। अब हमारे साथ हाजरा, हमारे साथ मौजूद है इरफान अहमद उर्फी साहब, बहुत ही बड़े कॉलम निगार हैं, ऑथर हैं, और वो शेयर करेंगे अपना रिव्यू इस किताब के ऊपर। मैं वेलकम करती हूँ इरफान अहमद उर्फी साहब को, एंड आई वुड लाइक हिम टू कम फॉरवर्ड एंड शेयर अ फ्यू वर्ड्स। फिल्म मेकर भी हैं, बहुत सारी फिल्में भी आपने देखी, बाजी और बेशुमार और प्रोजेक्ट्स, एंड अ वेरी गुड थिंकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यू रेड द बुक, यू नो हाजरा, व्हाट इज योर इनसाइट ऑन इट? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारक कैमरे के सामने आ गया हूँ, ऑथर्स की फहरिस्त में आ चुकी हुई है। मैंने अब जस्ट फिनिश तो बुक मुझे मिली कल थी, तो मैंने इसको कम्प्लीट किया। हाजरा के साथ तो कराची में बहुत मुलाकातें रही, क्योंकि मैं भी समाओ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। स्टोरी टेलिंग तो हाजरा की मैंने बहुत पहले जज कर ली थी, बस बहुत अच्छे वन लाइनर्स होते थे,
शी यूज टू शेयर विद मी कि हम इस पर ये फिल्म लिखते हैं, ये करते हैं. मैंने ये किताब पढ़ी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत मज़े की हैं. मसलन एक तो पहली बात यह है कि जो नरेशन है, रीडेबिलिटी जो है वो एक बड़ा अपना प्लस पॉइंट है. अगरचे ये अंग्रेज़ी में लिखी हुई किताब है, लेकिन जितने भी उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये मुश्किल नहीं है उसको पढ़ना अच्छा. और फिर मैं खैर कोई क्रिटिक तो नहीं हूँ इतना बड़ा ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी लिटरेचर का, मगर ये है कि वो जो अंग्रेज़ी का जो असलूब है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है. दूसरी बात यह है कि मुझे थोड़ा सा, मुझे ये मेरे दोस्त भी हैं उनको मैं एडवाइस भी कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि ये अगर ये शी वुड हैव टर्न्ड इट आउट एज अ नॉवल, ये कहानी की शक्ल में ये इतनी डायरेक्ट जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ मत ना आती, ठीक है ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है इनका, मगर ये अगर एक कहानी की शक्ल में आती तब भी ये उतना ही ज़्यादा आउटरीच करती हैं एक तो ऑडियंस को ग्लोबली. दूसरी बात ये है कि अगर कोई ऑफकोर्स एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन तो हो ही जानी थी, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली होती, लेकिन इसमें ये होता है कि थोड़ा सा अगर आप इतना अगर चीज में भी आपने कुछ नाम आपने खुद शुरू में कह दिया कि अब देखिए इसमें दो जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो दो मेजर करेक्टर्स हैं वो एक इमरान खान है और एक ये खुद हैं. अच्छा वल्नरेबिलिटीज दोनों की और दोनों के मामलात में जितने भी इंसानी नफ्सियात हैं, जो इंटीरियर एक्सटीरियर है करेक्टर का, और फिर ख़ासतौर पे इधर शो बिजनेस इंडस्ट्री, सो कॉल्ड शो बिजनेस इंडस्ट्री, उधर पॉलिटिकल सिनेरियो में जो मंजरनामा है, अच्छा उन दोनों का जो ग्रीन रूम जिसे कहेंगे, बैक स्टेज, जो डार्क साइड्स ऑफ बोथ क्या कहना चाहिए डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो भी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, उन पर बहुत अच्छा सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री हो सकती थी अगर ये एक नॉवल की शक्ल में होता. और जहाँ तक ऑटोबायोग्राफी का जिक्र, अभी तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत वक्त पड़ा है आपको अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो हम ऑफकोर्स हम एक्सपेक्ट करेंगे और बहुत से उनसे नॉवल्स भी. एक नॉवला का जिक्र आपने किया भी हुआ जो आपने लिखा और फिर वो इसी का छोटा वर्जन, मगर वो सारा फिक्शनल था उसका, अच्छा इसी का वर्जन था. तो वही मैं यही एज अ रीडर मैं ये कहूँगा, एज अ पर्सन जिसका ताल्लुक थोड़ा अदब से है, अदब का एक जैसा रीता, कि अगर ये फिक्शनल शक्ल में ये चीज़ होती तो एक बहुत बड़ी चीज़, ज़्यादा बड़ी चीज़ बनती. अभी भी ठीक है इसमें कन्फेशंस हैं, इसमें इन्होंने कोई वो नहीं है, हैंगअप्स नहीं है इनके अपने लिए, तो वैसे भी इनके इनका पर्सोना ही ऐसा है, इनकी माशाल्लाह से अपब्रिंगिंग भी ऐसी हुई ज़िंदगी में कि ये अदरवाइज भी अपने ज़िंदगी में ये बहुत ओपन है और बहुत ब्लंट है बहुत से मामलों में, जो बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है एज अ वूमन ये जैसे भी सर्वाइव करी, शी इज़ ऑन हर ओन बहुत अच्छे से, और इस इन सब नाहमवारियों में ये एक ज़िंदगी जैसे भी गुजार रही है, सक्सेसफुल है नहीं सक्सेसफुल बात की बातें हैं तो, लेकिन इस बात में कि इसमें बहुत पोटेंशियल, इसमें इतने कमेंट्रीज थे, इतनी चीज़ें हैं इसमें, शोबिज इंडस्ट्री के बारे में है, पॉलिटिकल पाकिस्तान की जितनी भी वो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो एज एन स्टोरी टेलर आपकी भी तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इन टर्म्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कैसा लगा इस बुक ने कितना जस्टिस किया टुवर्ड्स यू नो एक्चुअली चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ पीपल और ओपनिंग देयर आईज टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ डार्क ट्रुथ्स दैट वर हिडन. देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ तक बात बढ़ती है तो फैसला सोसाइटी करेगी ना कि इसने निभाया कि नहीं निभाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि राइटर ने सवाल उठाना होता है, उससे जवाब नहीं देने होते लोग अपने रीडर के दिमाग में, वो जितना ज़्यादा उसमें वो क्वेश्चंस रेज होते हैं होने चाहिए, मतलब कंक्लूडिंग नहीं होना होता, जजमेंटल नहीं होना होता एक राइटर को, बिल्कुल ऐसे जैसे एक फोटोग्राफर को खुद नहीं उसमें नज़र आना होता, उसने एक मंजरकशी करनी होती है. लेकिन इस किताब में ऑफ कोर्स इन्होंने एक सच के साथ सब कुछ लिखा, और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने ये बहुत बायस्ड होके कोई चीज़ें कही हैं, इन्होंने बड़ा एनालिटिकली, लेकिन इसमें एक डेफिनेटली ख़तरा तो है कि लिबरलाइज तो होगी, पॉलिटिसाइज भी होगी, और इसको लोग क्रिटिसाइज भी और इसको बहुत आराम से रिजेक्ट भी कर देंगे, बहुत आराम से एक्सेप्ट भी कर लेंगे.
लेकिन मतलब आप पॉलिटिकल होने से बच तो सकते नहीं है. एक सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो हर राइटर, हर आर्टिस्ट बल्कि एक्टर को भी चाहिए. इससे पहले देखें तहमीना दुरानी ने एक बड़ी कन्फेशनल चीज़ लिखी, और भी ख़वातीन ने, डॉक्टर फौजिया सईद ने भी हरेसमेंट पे किताबें लिखी, और बड़ी अच्छी बात है जो पाकिस्तान में अब भी ये कम आउट हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं इस पर. और फरियाद बहार ने जो फिल्म हमारी शोबिस इंडस्ट्री से कुछ लोग, बहुत कम ख़वातीन ख़ास तौर पर सामने आई हैं, लेकिन ये भी बड़ी स्ट्रगल की बात होती है कि आपको अपने एक फ्रेटर्निटी में नाम बनाने के बाद दूसरी फ्रेटर्निटी में भी अपने आप के. लेकिन मैं सिर्फ मशवरा यही दूंगा आपको, वो भी यही मशवरा देते रहे जी, आप अपने आप को राइटिंग में और लिटरेचर में. आपने ये कहा कि वो भी ये मशवरा देते रहे हैं, मतलब एक लाइन है बार बार इस बुक में जिसमें वो कहते हैं कि आप एक्टिंग से दूर हो जाए. तो क्यों आप ये कहते हैं कि एक्टिंग से दूर हो जाए, क्या बुराई है एक्टिंग? देखिए एक्टिंग बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं है, एक्टिंग बिल्कुल, मेरे को एक्टिंग की भी थोड़ी बहुत बुरी चीज़ नहीं है. बात यह है कि जैसे उनको उनकी एक्स वाइफ भी समझाती रहे कि बात यह है कि आप काम कहाँ कर रहे हैं, किन लोगों में कर रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि हॉलीवुड या बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत बेहतर होगी. बल्कि इमरान अब्बास से मैंने एक दफ़ा पूछा था जब वो करके आया था वहाँ से फिल्म, तो वैसे पूछा था कि वहाँ का यहाँ पर क्या फ़र्क है. तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि चूँकि वो बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे हर चीज़ एम्पलीफाई, मतलब आप इसी मीननेस को बड़ी मीननेस कर लें, इसी गुडनेस को बड़ा गुडनेस कर लें. तो हमें देखता है कि हमारी इंडस्ट्री, हमारा पॉलिटिकल जो सीन है वो क्या डिज़र्व करता है इस तरह के ब्रेन्स के लिए कि नहीं. जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, विद अपोलॉजी, कि काम ना मिलना अच्छी खबर नहीं, लेकिन काम मिल जाना भी कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है. पैसे ना मिलना कोई अच्छी बात नहीं है, मिल जाना उससे ज्यादा नुकसानदेह. हाजरा समझ रही है मेरी बात को? लेकिन आपको नहीं लगता कि हम भी ये माशरा में अपनी आइडियाज और अपने बिहेवियर को चेंज करें, जो कि हाजरा की कोशिश रही है आई थिंक व्हाइल दिस बुक? मेरा ख्याल है कि इनके जो दूसरे प्रोटैगनिस्ट है वो भी, उन्हीं उन्हीं के भी यही एम्बिशंस रहे हैं कि वो जैसे वो बहुत बड़ा इंकलाब ले आएंगे इस सोसाइटी में. वो बात आप ठीक कह रही हैं, मगर आपने अपनी स्ट्रेंथ्स भी तो देखनी है ना, कि आप कहाँ पे ज़्यादा आपका पोटेंशियल जो है वो फ्रूटफुल निकलेगा. आपके अपने खुद भी तो जज करना होता है ना. बहुत से लोग इसी इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत से नहीं हैं, तो ये भी देखना है ना कि आप कहाँ ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट. बस एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट और एज अ सोशल वेलफेयर मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर, बेशक लोग डिसएग्री करें, वो ज़्यादा बेहतर नज़र आए हमें. मेरे टीचर या उस्ताद को ये अभी बता रहे हैं कि इसको बेहतर करो, बट थैंक यू सो मच एंड दैट वाज ग्रेट ग्रेट फीडबैक. आपको अच्छी लगी किताब? हाँ, मेरी और आपको बहुत मुबारक हो इसकी. बहुत बहुत शुक्रिया इरफान उर्फी साहब आपका. थैंक यू फिल्म मेकर इरफान उर्फी साहब विद हिज व्यूज ऑन द सब्जेक्ट. और अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिस बुशरा तस्कीन साहिबा को, who is advisor to NAFTA, और वो आकर अपने व्यूज शेयर करें इस किताब के ऊपर और बाकी जो इस कंटेंट्स ऑफ द किताब है उसके ऊपर भी. मिस बुशरा साहिबा अच्छा, अगर बुशरा साहिबा अभी नहीं है और आने में टाइम है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर फरियाद रजाक साहिबा को. शी इज अ PhD डॉक्टर एंड शी हैज इमेंस वर्क इन इमोशनल इंटेलिजेंस. शी एक्चुअली टीचेस in the university and is associated with academia. Thank you so much for taking time out, and she works a lot for women empowerment as well as women education. Bahut bahut shukriya Dr. Fariyan, thank you so much. Aap bataiye aapki feedback on the book, on Hajra, on a woman's struggle in the society. Actually mere research area, core research areas are emotional intelligence, ethics and empowerment. This book touches all of those chords that I actually work on. There are certain things ki jab mujhe laga, and first of all thank you for letting us know your biography. It was more like a qualitative interview, literally qualitative interview for me as a researcher. What is happening in our society,
the patriarchy that we talk about, it is more enforced by the women, like your mother. Your father was more upfront, but the women are inducing the patriarchy more. And it struck with me when you wrote, और जब आपने ये लिखा कि जो वाइट फ्लावर है, हाउ लॉन्ग इट कैन बी ब्यूटिफुल एंड यू नो तब तक वो खूबसूरत और वो रह सकता है, और उसको कभी किसी डेंजरस चीज में भी चेंज होना पड़ता है, तो वो जो वाइट फ्लावर ऑल द ओप्रेस्ड विमेन है वो फर्टिलाइजर बन जाती है इसी पेट्रियार्की की, टू ग्रो मोर पेट्रियार्की. The second thing that was, you know, very close to my heart and जिस पर मैं बहुत work करती हूँ, family unit itself है. और जहाँ पर आपने ये बात लिखा कि you don't go and tell, आप घर जाके एक abuser, outsider abuser को insider abuser को नहीं बताते. The family system itself, the children, जो बच्चे हैं वो इतना confident नहीं है कि अगर उनके साथ कोई बुराई होती है, जैसे अब हम पीडोफीलिया देखते हैं या हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द एरिया दैट आई वर्क ऑन एंड इट इज सच अ ट्रॉमेटाइज्ड एक्सपीरियंस दैट शी हैज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम हर टिल द एंड ऑफ द बुक, इवन इट गिव्स हर जिटर्स. सो दीज एक्सपीरियंसेस वी नीड टू टॉक अबाउट मोर, एंड इट इज सो ब्रेव ऑफ हर, आई मीन आई कमेंट हर ऑन दैट. That अपने ये भी स्केलेटन दुनिया के सामने लाके बता रहे हैं, इट्स नॉट एन ईजी फीट, इट्स नॉट, तो हील पर्सन ही हील कर सकता है दुनिया, ओनली अ हील्ड पर्सन कैन हील द वर्ल्ड, एंड वी नीड मोर हीलर्स जितनी हमारी सोसाइटी में बुराई है. एंड देन इट कम्स टू द पॉलिटिक्स, आई मीन आई वाज टेकन अबैक कि एक बंदा जिसको आप एक मसाया के तौर पर, जिसको आप इस तरह करके करते हैं, everybody think jo bhi followers hai ki this is the you know light at the end of the tunnel. After reading the book I found that the light in the tunnel was the load shedding we did. There was no light at the end of the tunnel in politics. So I would say jaise baba bhulia shah ne ye baat kahi thi ki jis pal ghafil us pal kafir, मुर्शिद ए समझाया है कि हम लोग गफलत में रहेंगे तो कुफर की हालत में रहेंगे. वी नीड टू स्पीक अप. सो आई रियली कमेंड योर करेज, आई रियली कमेंड योर करेज, एंड फॉर मी इट वाज अ यू नो वर्किंग ऑन दीज इश्यूज दैट आई वर्क ऑन, एंड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वन हु वाज विक्टिम ऑफ दैट पैट्रियार्की, दैट यू नो माइंडसेट एंड दैट चाइल्ड अब्यूज, विटनेसिंग द ड्रग्स एंड व्हाई थिंग्स वेरी ड्रग एडिक्शन होती है, कभी हमने इस पर गौर नहीं किया. वजह क्या है? घर के मसाइल. अगर आपको वो अटेंशन एज ए चाइल्ड घर में मिली होती तो आप ड्रग्स में क्यों जाते हैं? व्हाई डू यू गो? बिकॉज वो फैमिली सिस्टम जो है वो प्रिवेल नहीं कर रहा. खवातीन इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, मदर्स आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, द फादर्स आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, द टीचर्स आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट. तो आप कहाँ से सोचेंगे कि एक बच्चा एक निकलेगा? इट टेक्स अ, एक कहते हैं ना कि पूरा गांव मिलकर एक बच्चा पालता है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड. तो ये टेक है जो मुझे लगा कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, और जिसको हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है कि वी हैव अ पैकेजिंग कल्चर, कि दिखना बहुत अच्छा चाहिए और कॉन्टेंट क्या है, वी आर सो यू नो हैंडसम, हैंडसम होना चाहिए, हैंडसम पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए. मुर्शिद कह रहे जी तो उसका मतलब है सारे गुनाह भूल जाते हैं आप. तो द थिंग इज कि जो कंटेंट है, जो सब्सटेंस है, वो किसी के लिए मैटर नहीं करता. कैरेक्टर, एथिक्स, और जहाँ लीडरशिप के मॉडल है, क्योंकि आई एम अ रिसर्चर, तो करंट लीडरशिप मॉडल इवॉल्व कर चुकी है एथिकल लीडरशिप की तरफ. इफ यू आर नॉट एन एथिकल पर्सन यू डोंट डिजर्व टू बी अ लीडर. आपने ये शुरू होने से पहले मुझसे सवाल किया था कि आप अचीव क्या करना चाह रही हैं. मैंने आपको बताया कि एज यूजुअल आई एम जस्ट अ गर्ल हू इज लॉस्ट इन द वर्ल्ड फाइंडिंग माय वे. कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर साहिबा से उनको इनवाइट भेजा था, ठीक है. उन्होंने इन्विटेशन ग्रेशियसली, वो बड़ी स्केप्टिकल थी कि कौन सी किताब है, क्या है, आप क्या कर रही हैं. मैंने कहा मैं एक्टर हूँ और ये किताब है, तो बहुत डर गई थी. उन्होंने कहा जी देखिए मैं तो आई एम जस्ट डॉक्टर एंड आई हैव दिस लाइफ एंड आपकी जो बुक वगैरह है दैट्स अ लिटिल टू मच फॉर मी.
तो मैं आप मुझे बुक भेज दें, मैं पढ़ लेती हूँ. मैंने कहा अब तो ये बिल्कुल नहीं आएगी. बुक मैंने भेज दी. अच्छा, आई नेवर हर्ड बैक फ्रॉम हर. तो मैंने कहा डॉक्टर साहिबा तो डर गई है, मुझे लगता है इस्लामाबाद भी छोड़ के भाग गई है कि ये बुक लॉन्च होने वाली है और इस खातून ने मुझे इन्वाइट किया है. तो नाउ आप अचानक जिस तरह आपने फिल्मी एंट्री मारी है ना, तो दैट इज माई अचीवमेंट कि somebody like her who was so scared कि मुझे ट्रोल किया जाएगा, मुझे पोलिटिसाइज किया जाएगा, तो अगर इन्होंने मेरी किताब पढ़ के ये बहादुरी दिखाई है तो दैट इज माई अचीवमेंट एंड थैंक यू सो मच. Now it is the floor is open to all the audience. आप में से जो भी सवाल करना चाहे regarding the book, please आप लोग खड़े हो जाइए. माइक जो है वो आपकी तरफ ले जाएंगे और यहाँ बैठे. कारकर्दगी में ही बात है वैसे बुक में. नहीं नहीं, इन्होंने तो मेरे ही सवाल का जवाब दे दिया है ना कि आपको नहीं लगता कि हम अपना सारा टाइम इसमें गुजारते हैं कि किसी ने क्या पहना है, किसी की जाती जिंदगी क्या है. सियासतदानों की जाती जिंदगी होती है, उनकी बीवी भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, उनका अपना प्राइवेट टाइम होता है जिसमें शायद मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन जब वो ज़ाती ज़िंदगी, आई थिंक आपकी मॉरल जो लेक्चरर्स हैं ना, जो एक्टर्स हैं, जो आपको दिन रात आपको शायद रैलीज में ये बताते हैं कि आपसे कब्र में सवाल होगा कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया, तब वो बड़ी ज़ाती हो जाती है मेरे लिए अगर कोई मुझे ये कहे, क्योंकि वो मेरे कब्र तक पहुँच गए हैं. ठीक है, अगर कोई ये कहता है कि औरतों का रेप इसलिए होता है कि मर्द रोबोट नहीं होते, फिर वो जाती नहीं रहती, वो मेरी सिक्योरिटी के ऊपर आती है. ठीक है, क्योंकि मैं अगर साड़ी पहन रही हूँ ना, ये मुझे तोशा खाने से नहीं मिली, ये मैंने अपने पैसों से खरीदी है एंड आई एम अ टैक्स पेयर. तो जिस दिन मैं आई रन फॉर द गवर्नमेंट, फिर आप मुझसे सवाल कीजिएगा कि हाजरा आपने दिन के टाइम जो भाषण दिया था ना मुझे और जो वादे किए थे मुझसे, तब आप मुझसे ये जाती जिंदगी और मेरे जाती जिंदगी पे सवाल कीजिएगा. इफ आई एम डूइंग समथिंग इमोरल, देन यू हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन मी इफ आई एम रनिंग फॉर ऑफिस. जी, कोई और सवाल पूछना चाहेगा? जी प्लीज पूछिए. जी 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 जी, थैंक यू सो मच. एक्चुअली वो एक अंग्रेजी में एक सेइंग है ना, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी. तो अगर मैं ये जो इस्तेमाल का लफ्ज मैंने किया है, ये मैंने एक्सप्लॉयटेशन जो वर्क प्लेस में होती है उसके मुताबिक उस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा किया है. मैं अपनी इंडस्ट्री की बात कर रही थी जो एक्सप्लॉयटेशन होती है. तो अगर उस एक्सप्लॉयटेशन में कुछ लोगों को शायद म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन कंसेंशुअली वो करें, उस पर मैं कोई बात नहीं करती. लेकिन जो लोग 19 साल के, 18 साल के, उस वक्त आपका एक कच्चा जहन होता है, अभी तो माशाल्लाह है फुल ग्रोन एडल्ट. तो मेरे 10 साल से पहले जो मेरी सोच थी और जो मेरी एक्सपीरियंसेस थे, उसका एहतसाब बहुत ही क्रिटिकली मैंने खुद किया है और मैं खुद करती हूँ, जिसका इजहार मैं आज शाम को काफ़ी दफ़ा कर चुकी हूँ. तो अगर मुझे चांस मिले, मैं अपने काफ़ी सारे इस तरह के डिसीजंस जो मैंने बड़ी नाइविटी में, और बड़ा हम लोग कहते हैं ना और इट्स जस्ट फन, व्हाट कैन गो रॉन्ग, ये जो हम बड़ी आसानी से कहते हैं ना, तो वो चीजें अगर मैं रिवर्स कर सकती, यकीन कीजिए मैं जरूर करती आज. इफ आई डोंट बेटर, ये कहा ना गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, आपने कहा तो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड तो वो है. देखिए उनकी जो अच्छाइयां हैं वो इस बुक में मेंशन है, जो जो चीजें अच्छाई थी उसी ने उनको अट्रैक्ट भी किया इनको उनकी तरफ और बेशुमार लोगों को. और आज भी अगर वो सबके सब लोग जितने भी पावर में आते अच्छे हो जाए तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. मेरा पता है फारूक मलिक. हम देख रहे हैं कि आयशा गुलालई से लेके हाजरा खान तक इतनी दास्तान है, जिसमें हम खाली काफी है और बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं. आप इस किताब के हवाले से अगर हम आपसे वन लाइनर पूछे, एक दो लाइनों में इसको आप कैसे समाप्त करेंगे? इतना मुश्किल है ये. ऐसा होता तो मुझे पूरी किताब थोड़ी भी लिखनी पड़ती. वैसे आयशा गुलाली साहिबा के साथ जो हुआ, दैट वॉज हरासमेंट. मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि आई वॉज हरास. आई सेड आई वॉज वेरी आइडलाइज विद दिस पर्सन. मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, इतना कि पोलिटिकली मेरी पूरी फैमिली उसमें कमिट. माई फादर वॉज पार्ट ऑफ पी टी आई फॉर अ लॉन्ग टाइम.
एंड उनकी एक्सपीरियंस जो है वो आयशा साहिबा ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं है. और जो उनके साथ हुआ आई टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत गलत हुआ है एंड आई एक्नॉलेज इट. मैं वन लाइनर कोई शेर भी मुझे याद नहीं रहता कि मैं वन लाइनर दे दूँ, बट ये कि यू नो लिव एंड लर्न ब्रेकिंग आइडल्स. और वो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड तो भी बहुत लोगों के लिए गॉड हो गए हैं, वो तो चाइल्ड तो नहीं रहे ना. चलिए अब हम दो सवाल और लेंगे. लेट्स गो टू दिस साइड एज वेल. कैन यू प्लीज टेक द माइक दैट साइड वेयर टीम्स यहां से तो हो ही गए थे. एक साइड इधर से जी, एक इधर से हम हैं. चलिए प्लीज. अच्छा जी, किताब मैंने सारी पढ़ी है और शुरू से आखिर तक पढ़ी. किताब में जगह जगह जिस पर्सनैलिटी का जिक्र है उनका नाम तो नहीं आ रहा है. इस पूरी तकरीब में मैंने हाजरा को कहीं उनका जिक्र करते नहीं देखा. उसकी मुझे वजह बता दी वो क्या है. अगर तो आपने किताब में जिक्र ना किया होता तो मैं ऐसे सवाल में जिक्र ना करता. दूसरा आप ये बता दें कि उस सारी गुफ्तगू में उस पूरी किताब में कहीं इस तरह का इंप्रेशन नहीं है कि किसी जगह पर वो साहब आपको लेके जा रहे हो, बल्कि आपने ये लिखा कि मैं उस जगह पर गई, उस जगह पर गई, उस जगह पर गई. एक गलती, दो गलती, तीन गलती, तो मुसलसल गलतियाँ जारी रहो. किस स्टेज पे इंसान को होश आनी चाहिए? उसमें आपने पेरेंट्स का जिक्र किया, आपने सोसाइटी का जिक्र किया, तो गलती क्या आपकी ज़्यादा थी, आपके पेरेंट्स की थी, क्या मेरी गलती ज़्यादा थी? अच्छा, उन शख्स का हम बता दें कि आपने किसका जिक्र किया हमारी किताब में? इमरान के बारे में जी. उनका नाम आपने नहीं लिया? अरे उनका नाम लेके मैंने क्या कर रहा है. उनका नाम अच्छा मिस्टीरियस रहता है ना, इवनिंग थोड़ी मिस्टीरियस रहती है, थोड़ी मिस्टीरियस भी रहनी चाहिए. ये तो फिर किताब में जिक्र जी जी बिल्कुल, किताब में बहुत चीज़ें हैं जिसका जिक्र है. मैंने कहा थोड़ा सा मिस्ट्री रहती है, तो उनका नाम बार बार लेके. इमरान का नाम जी, क्या मैं क्या बोलूँ इमरान के बारे में? ये बताएं कि जिस पर्सनैलिटी का आप जिक्र कर रही हैं, उनका नाम इमरान खान है. जी जी जी. गलती मेरी ज़्यादा थी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम नाइविटी में और उसमें बड़ा अपनी कंसेंट से, मैंने भी ये बात क्लियर की है कि एज कंसेंटिंग उनको बार बार देख के मिल के जो उम्मीदें होती हैं और फिर वो डिसिल्यूजमेंट की तरफ जब जाता है ना. और इस तरह सिर्फ किसी एक इंसान के साथ नहीं होता, बड़े लोगों के साथ होता है. आपकी ज़िंदगी में शायद होगा, बड़े लोग आपको मिलते हैं, आप बड़े इंप्रेस होते हैं, उनका एक पर्सोना होता है. और मैं हमेशा कहती हूँ हम तो एक थर्ड जनरेशन क्रश से गुजर रहे हैं ना. हमारी माओ और खालाओं को देखा, उनके पोस्टर्स, वही वॉज अ क्रिकेटर. अभी नई जनरेशन है, उनका बहुत बड़े क्रश हैं, आइडल हैं. तो थर्ड जनरेशन से इमरान खान साहब की क्रश चल रही है, तो इसमें हमारी भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं. और मैं तो अपने मानती हूँ आपसे बिल्कुल. आई वॉज टोटली पार्ट ऑफ इट. एंड मेरी जो ग्रीवियंसिस हैं वो उसका जो असर मेरी ज़िंदगी पर मेरे ही फैसलों से हुआ, वो डिसिल्यूजनमेंट में की है. क्यों जी, कोई और सवाल है? आखिरी सवाल. अच्छा, माशाल्लाह आपने ये फैसला किया कि आप सच बोलेंगी. और ओम शिराजी मेरा नाम है, जर्नलिस्ट हूँ. उम्मीद है आप इन दोनों सवालों का जवाब जो है वो उसी जज्बे के साथ देंगी. एक तो ये बता दें कि 2014 में किसने आपको किताब लिखने से रोका था और किसने आपकी ज़िंदगी अजीरन की थी, और आज 2023 में किसने आपको किताब लिखने की इजाज़त दे दी या आपके लिए जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? अच्छा. एक तो सवाल ये है. दूसरा ये है कि 2014 में जब आप किताब का जिक्र कर रही हैं तो उस वक्त ये था कि मुमकिन तौर पे मीडिया में भी आया था. एक हमारे दोस्त जर्नलिस्ट सीनियर यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि इमरान खान शायद बाप बनने वाले हैं और एक 21 साल खातून की हाथ में उनकी कोई फैसला है, तो आप उनके साथ अटैच नहीं, तो आपके पास इस हवाले से क्या इतना? हाँ जी, तो 2014 में मैं लंदन में थी. मैं लंदन चली गई थी, मुझे किसी ने भेजा नहीं था. मेरी अपनी डिसीजन थी कि मैं पाकिस्तान से चली जाऊँ. और जिसने जिस एजेंसी के साथ लंदन में मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एंड्रयू नामी एजेंसी, उन्होंने वो बुक पब्लिश करने से मना कर दिया था. फिर मुझे अमेरिका में जाके इसको सिर्फ किंडल पे, जो एक ऑनलाइन अमेज़ॉन का एक सिस्टर कंपनी है किताबों पे ऑनलाइन वहाँ पे होती हैं, वहाँ पे जाके मुझे उसका एक छोटा सा वर्जन और उसमें जो काफ़ी हकायक जो आज मैं बयान कर रही हूँ वो लीगली
एजेंसी ने डिसाइड किया कि हम नहीं करेंगे कि लाइबल लॉज बहुत ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद जब मैं वापस आई और उसके बाद जो मेरे जितने भी अकाउंट्स वगैरह थे वो हैक हुए, मुझे मुख्तलिफ केसेस और कुछ पोस्ट वगैरह हुए। उस वक्त एक बहुत अच्छा आपको पता है ना, बहुत अच्छा दौर था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फैशिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अगर आप खुदा ना खास्ता किसी इमरान खान के बारे में कोई पोस्ट कर दें तो आपके पीछे एक पूरी सी एक बॉट्स की एक बारात आ जाती थी आपको ट्रोल करने। अब वो ब्लास्फेमी में आपको गालियाँ दें, आपको गद्दारी में आपको फ्रेम करें, कुछ भी कर दें, तो वो एक सिलसिला जो है ना वो मैंने भुगता हुआ है। बट मैंने, क्योंकि मेरे फादर उस वक्त हयात थे, उनका मुझे बड़ा गुमान था कि मैंने जो डिसीजंस लिए हैं या मैंने अपनी ज़िंदगी में जो गलतियाँ की हैं और मैंने जो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को डॉक्यूमेंट किया है उसके बारे में मैं भूल जाऊँ, क्योंकि उसकी जो बैकलैश थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। तो वो मैंने बड़ी खामोशी से गुजारा, और सिर्फ मैं नहीं हूँ, इस कमरे में बहुत से लोग बैठे हुए हैं और जिन्होंने इस खूबसूरत दौर का के विक्टिम्स रहे हुए हैं, आज वो सब यहाँ मौजूद हैं, जिनके साथ ये ट्रोलिंग की गई, जिनको ऑफेयर किया गया है, जिनको एक एक ट्वीट पे हरास किया गया है। तो रही वो आखिरी बात जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं, जी हाँ, उस ट्वीट का मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है और ये एक सच्ची कहानी है, और जिनकी कहानी है उनको भी मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी उम्र अनफॉर्चुनेटली 21 से बहुत ज़्यादा थी तो ये मेरी कहानी नहीं है। तो जिनकी कहानी है वो फिलहाल पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर है, और ये उन्हीं की कहानी है, और ये कहानी अगर वो खुद ही सुनाएंगी, अगर वो सुनाना चाहेंगी, वो प्रोगेटिव उनका है। मैं ये राइट नहीं रखती कि मैं उनके बिहाफ पे या उनकी आइडेंटिटी को रिवील करूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह सकती हूं कि ये 100% नहीं, ये 200% एक सच्ची स्टोरी है, और ये ट्वीट बिल्कुल ऑथेंटिक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ऑफिशियली लॉन्च की तरफ बढ़ते हैं। मैं हाजरा खान से साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ऑफिशियली बुक को लॉन्च करें। आप लोग सब बुक को पढ़िए और उसके बाद अपना ओपिनियन फॉर्म कीजिए विद अ क्लियर माइंड, as this book is not an attempt to malign anybody, but it is just a book of revelation. This way and then 100 minutes. So here we go, finally after 9 years. A big round of applause for Hajra Khan and her bold initiative at bringing out her story to the world. Hajra, shukriya. Thank you so much. Now you all can proceed for Heidi. Thank you very much. Bahut bahut shukriya aap sabka. Thank you, sunne ka. Allah Hafiz. जी जी जी, 9 साल लगे मुझे। मैंने लंदन में ये किताब लिखी थी, वहाँ की एजेंसी ने पहले इसको ड्रॉप किया क्योंकि लंदन में खान साहब के इन लॉज की बड़ी होल्ड है और लाइबल लॉज भी काफ़ी स्ट्रगल है। जी जी हाँ जी। और अभी 9 साल बाद ये एक्चुअली स्ट्रगल मेरी चल रही है पिछले 3 साल से। मेरे जितने भी अकाउंट हैक हुए हैं, मुझे आज तक एक पैसा नहीं मिला उस बुक का। मुझे पता भी नहीं उसकी सेल्स कितनी हुई है। उसको छोटा सा वर्जन मैंने निकाला था ना, वो सब हैक की गई थी 2018 के बाद, बल्कि उससे पहले भी हैक करती थी। कि मेरी 3 साल से, आप यकीन करें, मैं उसको रिस्टोर कर रही हूँ। आज दिन तक मेरा कोई भी पुराना अकाउंट जो इस किताब से अटैच्ड है वो आज दिन तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, और मेरे इसके लिए पता नहीं मुझे क्या मज़ीद करना पड़ेगा। तो ये जो मेरी स्ट्रगल है ना, ये मेरी कुछ जो दोस्त वगैरह दुबई वगैरह में हैं उनकी जो छोटी छोटी CPR कंपनी है या पब्लिसिस्ट हैं वो या जर्नलिस्ट हैं, तो हमने मिल के ना कोशिश की है कि वी स्टिल स्ट्रगलिंग कि इसको लॉन्च किया जाए। इसकी टाइमिंग के बारे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जी जब इमरान खान साहब के अंदर हैं तो तब ये किया जा रहा है प्रेशर। जी जी, उनका थ्रेट बहुत ज़्यादा था पिछले 9 साल से, बहुत ज़्यादा था। जी जी जी, बिल्कुल। जी आपको इम्प्रेशन बनेगा कि आपको लॉन्च करने नहीं है, करवाई जा रही है लॉन्च? नहीं नहीं, काश, मैं आपको ये कह रही हूँ ना, काश ये होता। अगर आप इस कर दें तो मेरे रिजॉल्व कर दें, मेरे जितने भी अकाउंट्स हैक हुए हैं, मेरी जो बुक है नोवेला, आज दिन तक आई कैन नॉट यू नो रिस्टोर इट अगेन। तो अगर अगर ये होता तो वही बुक ये लोग रिजॉल्व कर देते ना। सू किया जाता है। जी जी जी। तो आपके पास ये जितनी
भी आपने अकाउंट्स लिखी हैं उनके प्रूफ्स हैं? जी हाँ बिल्कुल। आपको थ्रेट जो है वो किस किस्म के थे? आप ये बड़े इनडायरेक्ट आते थे उन दिनों, जैसे कोई कॉल्स आ गई, मैसेजेस आ गए कि आप गैर इस्लामी हैं, आप मुसलमान नहीं हैं, इस तरह की बेहुदा किस्म के अटैक्स होते थे कि आप एक, और एक पूरी आर्मी थी वो एक साथ करती थी अटैक, वो मैसेजेस भी एक साथ आते थे, फ़ोन कॉल भी आते थे कुछ एक्वेंटेंसेस के इंडस्ट्री के थ्रू के आप ऐसा करें, इस पर बात नहीं करें और आप ये करें वो करें। तो बात तो मैंने पॉलिटिक्स पे की नहीं और मैं इसके पॉलिटिक्स से बहुत दूर रही हूँ। जी इन थ्रेट्स के खौफ से कैसे बाहर रही हैं? जब खौफ जेट के अंदर चला गया। अच्छा मैम ये बताइएगा, इमरान खान ने कहा माजी में भी उनको प्ले बॉय कहा जाता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो 2014 से आपने बुक लिखी थी, तो अब तकरीबन 9 साल बाद आपने समझी कि वो शख्स बदल गया हो या वो चीज़ें जो अल्लाह करे, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता ऐसा कुछ। मैं उनको आज देखती हूँ, 9 साल पहले जिस तरह थे, मुझे उनकी ज़हनी हालत और उनकी जो बात करने की और उनकी जो एक फस्ताइयत है उससे मुझे मज़ीद एक बहुत ही मैं कहती हूँ एक अलार्मिंग मेरे लिए मजीद सिचुएशन लगती है। 9 साल पहले तो मुझे थोड़ा सा था, शायद इसका फ्रैक्शन था कि ये नहीं कर पाएंगे, और ये जो है जो मैं डिसल्यूजनमेंट की बार बार बात करती हूँ ना कि वो जो हुई मुझे वो मुझे अभी पहले से बहुत ज़्यादा नज़र आती है उनकी फिरौनियत उनकी बातों में और उनकी तकरीरों में। गड़ब आपकी जो लास्ट मुलाकात इमरान खान से हुई वो कब हुई थी? 2014 आई थिंक, ये नहीं 2013 तक भी थी। जी उसके बाद बहुत ही कम बातचीत थी। नईम उल हक साहब जब वफात थे उनके साथ काफ़ी बातचीत होती रहती थी, इवन अप टू उनकी वफात तक, जब वो गवर्नमेंट में आए ना तब भी उनके साथ उनकी फैमिली के साथ, क्योंकि उनके मेरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आखिरी और बता दें कि सोशल मीडिया पर हमने देखा ट्रोलिंग हो रही है कि आयशा गुलाली और बहुत जी 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 किताब दे रहे हैं। जी 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 तो आपकी किताब ऐसा क्या जी 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 कुछ भी नहीं, मैंने उनके लिए लिखी नहीं है, मैंने इंसानों के लिए लिखी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा मैडम बताइएगा, 2014 से लेकर 2023 तक 9 साल लगे ये सारी किताब लॉन्च करने में, और इस टाइम पीटीआई पर बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है, तो उस इमरान खान का ज़्यादा जिक्र है, 40% आपने कहा किताब में, तो समझती हैं ये थोड़ा डिले हो सकता था मज़ीद? 9 साल मेरे ऊपर क्या गुजरे वो आपने नहीं, इनके पे 9 महीने अगर गुजरे हैं तो मैंने तो नहीं कहा था ना कि आप पाकिस्तान की बिल्डिंग्स पर अटैक करें, मैंने कहा था, आपने कहा था, जो भी किया उन्होंने खुद किया है। तो वो पावर में जो लोग होते हैं ना उसे आप और मेरे जैसे आम लोग मुकाबला नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपनी कहानी अपनी ग्रीवेंसेस शेयर कर सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म में आवाज़। मुझे आज इस मकाम पे आते आते 9 साल लगे हैं, उसमें मुझे कितना नुकसान हुआ है, उसमें मेरे ऊपर क्या गुजरी है, वो भी आई थिंक मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करता है। शोबिज के लोगों के बहुत से ताल्लुकात रहते हैं, पॉलिटिक्स के लोगों के साथ, तो सिर्फ इमरान खान साहब के साथ आपका ताल्लुक रहा है या किन और लोगों का भी, किसी और का भी? पॉलिटिशियंस वगैरह से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, और किसी से? इमरान खान साहब के साथ भी एक हादसाती मुलाकात थी एक सोशल इवेंट पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।